हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। दोस्तों, दिवाली के बाद ढेर सारे काम के बाद अब थोड़ा आराम का समय आ गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो बेकार पड़े हुए प्लांटर्स हैं उनको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए। ये वाला जो है थोड़ा ब्लैक कलर का बोरिंग सा लगता है, तो इसको चलिए कलरफुल बनाते हैं, और वो भी घर के पड़े हुए सामान से ही। ये वाले देखिए पिस्ते के छिलके हैं, जो अक्सर हम लोग पिस्ता खा करके छिलके फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, तो इन्हीं से बनाते हैं। ये जो हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले गमले की सरफेस को साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा। आपको जो ये दाग दिख रहे हैं ये पानी के दाग हैं, ये छूट नहीं रहे हैं, तो इसी में हम फेवी बॉन्ड से चिपका रहे हैं। आपके पास अगर ग्लू गन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली में हमारे यहाँ इस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है जिससे कि हम ग्लू गन चला सकें, तो हम फेवी बॉन्ड से ही यूज़ कर रहे हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है, आप किसी भी पैटर्न में लगा सकते हो। मैं बस सिंपल ही ऐसे ही लगा रही हूँ, और थोड़ी देर में ही चिपक जाता है। चिपकने के बाद हाथ से हल्के से ऐसे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगर जो थोड़े से ढीले पड़े हों तो वो भी जम जाएँ जा कर के। यहाँ पर हम पेंट के लिए ये एक्रेलिक, इसको एशियन पेंट का यूज़ कर रहे हैं। आप फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंपनी के एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर लीजिए। अब ये हमारे यहाँ पड़ा हुआ था तो मैं इसी को ही लगा रही हूँ। ब्लैक कलर ऊपर है तो इसलिए डबल कोटिंग ही चलेगी कलर की, नहीं तो कलर जो है उभर के नहीं आएगा। तो जब एक कलर नीचे वाला पहला कोट अच्छे से सूख जाए तभी दूसरा कोट करिएगा। सब तरफ कर देते हैं इसको अच्छे से। डबल कोट, जब सेकंड कोट गीला रहेगा तब इसके ऊपर हम ये फेविक्रिल का गोल्डन कलर करेंगे। ये जो कपड़ों में करते हैं पेंट ना, इसी का सेकंड कोट जो है मेरा गीला है हल्का सा, इसी पर कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फैल जाए। सूख जाने पर थोड़ा सा फैलाने में दिक्कत होती है, और इस पर बस बहुत ही आसानी से ये फैल रहा है। इस पर भी थोड़ा सा कोट मार दिया जाए। इसको फ्रेंड्स सूखने को रख देते हैं, और फिर चलिए हम कुछ और भी काम करते हैं, वो कर लेंगे तब आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये बॉटल्स भी अपने उसी कलर से पेंट कर दी हैं। इन बॉटल्स में हम गर्मियों में प्लांट नहीं लगाए थे, पिछली बार सर्दियों में लगाए थे, फिर इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़राब हो गई थी, गंदी गंदी लगने लग गई थी। अब सर्दियों में फिर से प्लांट्स लगाने होंगे तो मैंने डेकोरेट कर दिया। ये एक्चुअली में इस तरीके की थी, तो मैंने इनको थोड़ा सा कलरफुल कर दिया है। अब इसमें सर्दियों के प्लांट्स लगाएंगे तब अच्छे लगेंगे देखने में। अब देखिए मेरी मैचिंग जो है पूरी तैयार हो गई है। ऑरेंज कलर का फ्लावर तो ऑरेंज कलर का पॉट, लग रहा है ना बढ़िया? लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड आपको हम नई नई जानकारी देते रहें और तरह तरह के प्लांटर्स का DIY भी बताते रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।